बाद निकालते हैं अपने बॉक्स को। बॉक्स के साथ आपका निकलता है एक बिल। मेगाफोन मंगाया और उसका निकल गया भाई अंदर साबुन। तो भाई उसको दिल पे क्या बीत थी कि जैसे कि आपने खोला और अंदर फ़ोन ही नहीं है। हेलो गाइस, क्या हाल है? सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए मेरी लास्ट वीडियोज़ पर। तो यार आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि यार बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चन ये आ रहे थे कि यार हमने आईफोन तो ले लिया फ्लिपकार्ट से, लेकिन क्या हमारा आईफोन असली है, निकली तो नहीं है, वारंटी आउट तो नहीं है, या फिर रिफर्बिश तो नहीं मिल गया है? तो यार चलो आज करेंगे इस बारे में बात और जानते हैं कि हमारा आईफोन असली है, कैसे उसको चेक करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे चेक करना है कि वो असली है या कहीं आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया है। लेकिन यार उससे पहले ना यार एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले ऑफ़र्स के लिए, जिन लोगों का आईफोन ऑफ़र्स मिस हो गए थे इस फ्लिपकार्ट वाली सेल में जो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुकी है। तो भाई दिवाली आ रही है एंड ऑब्वियसली दिवाली पे आएगी सेल, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ऑफ़र्स आने वाले हैं और आपको कहाँ कहाँ सेल देखने को मिलेगी। तो वॉच टिल द एंड एंड यार सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके यार कि कैसे ही आप नए ऑफर्स अवेल कर सकते हो और कैसे आप एकदम से नए आईफोन्स जो आ रहे हैं अभी उन पे क्या डील्स आ रही है तो वो सब आपको टाइम टू टाइम मिल सकें, क्योंकि आगे दिवाली सेल में मिलने वाले हैं हमें बहुत बढ़िया ऑफ़र्स। तो चलो यार कर दो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो यार एकदम से ऐसे दिल टूट जाता है यार। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं बताता हूँ कि कैसे आप अपने आईफोन को जो आपने फ्लिपकार्ट या किसी भी साइट से लिया है उसे कर सकते हैं चेक कि वो आपका असली है या फिर आपको फेक प्रोडक्ट तो नहीं मिल गया है। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ है अपने पास ये फ्लिपकार्ट का डब्बा और इसके अंदर है अपना आईफोन का बॉक्स और इसके अंदर एक चीज़ और आती है, इसके अंदर आता है एक बिल। तो चलो दिखाता हूँ फिर कि कैसे चेक करना है। तो यार जैसे कि ये है अपना फ्लिपकार्ट का बॉक्स जिसमें आया था अपना आईफोन, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होता है कि ये चारों तरफ से सील पैक तो है, अभी तक सील खुल चुकी है क्योंकि हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर ली थी। तो ऊपर इसमें आपकी ही डिटेल्स लिखी हैं सारी, एक बार ये भी चेक कर लें कि इसमें आपकी डिटेल्स होंगी यहाँ पर। तो उसके बाद जब आप यहाँ से खोलने के बाद निकालते हैं अपने बॉक्स को, तो इस बॉक्स के साथ ना इस बॉक्स के साथ आपका निकलता है एक बिल जो कि है ये, तो इसे रखते हैं साइड में। एंड इस बिल पे जो है सब आप इस बिल को खोलेंगे तो इस बिल पे ना जहाँ पे आपके आईफोन का नाम लिखा होता है उसके साथ ना आपका IMEI नंबर लिखा होता है जो कि फ़ोन के बॉक्स से मैच होना चाहिए। तो भाई ये है स्टेप वन कि आपको अपना बिल खोलना है, बिल के अंदर से देखना है आपको अपना IMEI नंबर, देन आपको क्या करना है आपको अपना बॉक्स लेना है, बॉक्स को करना है उल्टा एंड बॉक्स के पीछे आपको देखने को मिलता है ये जो मैंने पार्ट कवर कर दिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा IMEI नंबर। दो IMEI नंबर लिखे होते हैं तो दोनों में से एक ना एक आपके बिल के नंबर से ज़रूर मैच होना चाहिए, जो बिल में आपके फ़ोन के नाम के नीचे IMEI नंबर होगा उसमें से एक नंबर, यहाँ पे जो दो नंबर लिखे होंगे उसमें से मैच ज़रूर होना चाहिए। तो गाइस ये हुआ फर्स्ट स्टेप। इसके बाद जब आपका बिल और बॉक्स का नंबर सेम है तो उसके बाद आप खोलेंगे अपना बॉक्स और उसमें से निकालेंगे फ़ोन। सबसे पहले तो यही देखना कि फ़ोन निकलता है या कहीं साबुन तो नहीं निकल गया है ना। खैर ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है क्योंकि यार सेलर्स तो हमेशा ठीक ही बेचते हैं, बीच में ही कुछ लफड़ा होता है तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 99% तो ठीक ही निकलता है और निकलने में यार कोई इतनी मेहनत करके पैसा भूखता है तो यार किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है तो यार उसको भी कितना बुरा लगता होगा ये चीज़। तो यार आप सोच के भी एक बार सोच सकते हैं यार किसी ने इतना महंगा फ़ोन मंगाया और उसका निकल गया भाई अंदर साबुन, तो भाई उसको दिल पे क्या बीत थी कि जैसे कि आपने खोला और अंदर फ़ोन ही नहीं है। तो फ़ोन इसमें अभी नहीं है तो अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको आएगा। फर्स्ट स्टेप अपना हो गया, इसमें अपने बिल से बॉक्स के पीछे का IMEI नंबर चेक कर लिया है तो ये ठीक है। देन अब हम करेंगे फ़ोन के अंदर IMEI नंबर चेक, वो करेंगे हम बॉक्स से चेक, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोन की स्क्रीन पर कि हमें कैसे करना है। फ़ोन की स्क्रीन पे बेसिकली हमें डालना होता है *#06#। तो गाइज आप अपने फ़ोन के कीपैड पर डालेंगे *#06# और उस पर दो EMI नंबर निकल के आएंगे, तो उसमें से दो नंबर जो आएंगे उन्हें आपको चेक करना है बॉक्स के पीछे वाले IMEI नंबर से चेक। तो यार ये सब चेक करने के बाद जैसे कि आपने चेक करा अभी कि आपका बिल
और आपके बॉक्स का EMI नंबर एंड आपके फ़ोन का EMI नंबर तीनों मैच कर गया है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फ़ोन जो आपने ऑर्डर किया था वही आया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन स्टिल अ क्वेश्चन लेफ्ट कि यार आपका फ़ोन नया है, यूज्ड तो नहीं है या रिफर्बिश्ड तो नहीं है, तो यार उसके लिए ना बहुत इजी मेथड है। आपको जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाना है, आपको वहाँ से उसके जनरल में जाना है, आपको अबाउट में, और जब आप अबाउट में जाएंगे तो यार वहाँ पे ना एक होता है सीरियल नंबर और एक होता है मॉडल नंबर। तो यार मॉडल नंबर पे आपको चेक करना है कि उसका मॉडल नंबर शुरू किससे हो रहा है। अगर आपका मॉडल नंबर शुरू हो रहा है गाइस M से, तो आपका फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। अगर आपका मॉडल नंबर शुरू हो रहा है F से, तो भाई आपका फ़ोन रिफर्बिश्ड है। और अगर आपका नंबर शुरू हो रहा है N से ना, तो इसका मतलब आपके नए फ़ोन में कभी कोई फॉल्ट आया था तो वो रिप्लेस होके दोबारा ठीक होके आया है। तो यार ये चेक करें कि आपका मॉडल नंबर M से शुरू हो रहा है तो ही आपका फ़ोन नया है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे एक लेफ्ट साइड पर आपको विंडो दिख रही होगी, उसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है जो कि शुरू हो रहा है M से, तो भाई इसका मतलब आपका फ़ोन न्यू है। एंड अब एक और नीचे जो इसके सीरियल नंबर दिख रहा है आपको, तो भाई एक और चीज़ होती है सीरियल नंबर चेक करने की, ऑफिशियल एप्पल साइट पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन नया है या आपके फ़ोन की वारंटी का क्या स्टेटस है। तो नीचे आपको मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ऑफिशियल एप्पल साइट का, और आपको यहाँ स्क्रीन पे भी नीचे लिंक आ रहा होगा, दिख रहा होगा उसकी साइट का। तो ये होती है checkcoverage.apple.com की ये साइट है, तो ये ऑफिशियल एप्पल की साइट है गाइस। इस पे जाइए और इस पे डालिए अपना सीरियल नंबर जो कि मॉडल नंबर के नीचे था, जैसे कि आपने अभी देखा है, दोबारा आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे। तो ये जो आपका सीरियल नंबर है इसे करिए कॉपी और इसे डालिए आप इस साइट पे। डालने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो भाई आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन का नया है, क्या वारंटी है, एंड ऑफिशियल एप्पल का तो है ना ये। तो यार यही था आज पूरी वीडियो का मोटिव, कि मेरे पास क्वेश्चंस थे यार, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई आईफोन नया तो आया है, आईफोन में कोई इशू तो नहीं है, पुराना तो नहीं दे दिया किसी ने, लोकल तो नहीं आ गया है। तो यार उसी के लिए ये वीडियो थी, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो जो स्टेप्स बताए हैं। आप एक बार वीडियो अच्छे से देखें और तभी आपको पता चलेगा। तो आई होप ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब करो यार भाई को, तभी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी आगे। और एंड थैंक यू सो मच, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा आपको, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो यार जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि क्या ऑफ़र्स और क्या चीज़ आने वाली है दिवाली पे, तो यार अब वो टाइम आ चुका है जब मैं बता रहा हूँ आपको दिवाली के जो ऑफ़र्स हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो मैं शॉर्ट तो नहीं कह सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हर साल की चीज़ें होती हैं, दो तीन साल से सेम चल रहा है, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि इस साल भी सेम ही होगा। जैसे कि अपना अभी बिग विलियन डे पे सेम हुआ, एप्पल स्टोर ने जैसा अभी करा है तो वही होने वाला है अभी दोबारा भी। तो गाइज एप्पल अपने ऑफिशियल साइट पर कर चुका है दिवाली ऑफ़र की अनाउंसमेंट, जो कि आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा होगा। इन्होंने जो अपना डाला है एक अभी न्यू ऑफ़र का निकाला है कि ये अपने ऑफ़ देंगे एंड 7000 समथिंग तक का ऑफ कार्ड ऑफर्स पे दे रहे हैं। यार देखो अभी तो इन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट करी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितना मेरे को लगता है दिवाली तक जो ऑफ़र्स आएंगे दिवाली पे, ये अच्छे ऑफ़र देने वाले हैं आईफोन 13 एंड 12 पे, जिसके साथ ये एयरपॉड्स के भी ऑफ़र देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने दोनों को साथ में मर्ज करके एक बहुत अच्छे प्राइस रेंज पे बेचा है। तो हमें लगता है कि इस बार भी हमें वही देखने को मिलेगा, तो वो देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। और रही फ्लिपकार्ट की बात, तो भाई फ्लिपकार्ट पे भी आएंगे दोबारा से ऑफर्स, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जब ये बिग बिलियन डेज ख़त्म हो जाएगी तो फिर आएगी दिवाली सेल अपनी, और अमेज़ॉन पे भी दिवाली सेल आएगी। तो देखते हैं, अनाउंसमेंट का वेट करते हैं, उससे पहले कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सेल तो आनी है भाई। इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा जितना आपको इस फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे में मिला, 50,000 का मिल गया लोगों को। देखो इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल चांसेस हैं कि मच बेटर डील मिल सकती है। सो जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी, वो वेट कर सकते हैं दिवाली सेल तक का, महंगा तो ऑलरेडी हो चुका है, तो वेट टिल दिवाली सेल, देखते हैं क्या ऑफर्स आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कार्ड्स ऑफर लगा के मुझे लगता है कि 54-55 तक का आ जाना चाहिए, देखते हैं वो तो तभी पता चलेगा यार जब एक बार सेल अनाउंस हो जाएगी,
तो वेट करते हैं सेल का, बट इतना तो श्योर है कि सेल आ रही है, और सेल जब आएगी तो आपको पता ही, ऑफर देते हैं। एप्पल ने तो अनाउंस कर दिया है, तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, वो भी दिवाली सेल पे अपना फटाफट से ऑफर्स लाएंगे। और तो चलो, अब ये तो सेल्स हो चुकी हैं ख़त्म, अब क्रैप करेंगे हम जल्दी से जाके अपनी दिवाली सेल। तो करते हैं दिवाली का वेट, ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, अराउंड 1 महीना है, तो करते हैं दिवाली का वेट और देखते हैं क्या मस्त मस्त ऑफर्स उस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वो ऑफर्स के नोटिफिकेशन मिलेंगे और ऑफर्स का आपको पहले पता चलेगा। तो फटाफट जाओ यार, करो चैनल को सब्सक्राइब और तब फटाफट दबा दो बेल आइकन को। थैंक यू यार, फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, और करते हैं यार अब अपनी एक कुछ ट्रैवल सीरीज शुरू, क्योंकि काफ़ी टाइम से यार मैं बिज़ी चल रहा था, घर पे थोड़ा काम चल रहा है, मेरा न्यू घर बन रहा है तो उसमें थोड़ा बिज़ी हो रखा था। बाकी यार दोबारा शुरू करते हैं अपनी ट्रैवल सीरीज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।